हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अपने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे हैं और ताकि अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं आपके लिए ही एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। आप जितना भी पढ़ते हैं तो आपका एक ही तमन्ना होता है कि आप परीक्षा में खूब अच्छे मार्क्स लाएं, टॉप बने, ताकि सबका नाम हो, आपका नाम हो और अपने घर का सभी लोगों के बीच चर्चा हो कि आपका अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ वो तरीका भी जानें कि किस प्रकार मैट्रिक की कॉपी लिखी जाती है। तो चलिए, आज इस तरीके को जानने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें, ताकि हम आपको अच्छे ढंग से ये बता सकें कि आपको मैट्रिक की परीक्षा में कॉपी को किस प्रकार लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे हम कि सबसे पहले आपके परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक आते हैं ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। एक नंबर वाला जो प्रश्न होता है वो दो तरह के हैं। एक तो आते हैं 100 अंक, जिसमें से आपको बनाने हैं 50 अंक, और एक 80 अंक, जिसमें से आपको बनाने हैं 40 अंक। तो हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले जब हम परीक्षा भवन में जाएंगे तो एकदम रिलैक्स मूड में जाएंगे, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं सोचेंगे जिससे आपको नुकसान हो। एकदम अच्छी बातें सोचकर जाएंगे कि हमारा परीक्षा एकदम अच्छा से जाएगा ही और हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। और जब आप परीक्षा भवन में जाते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि जिस स्थान पर आपको बैठना है वहां आप अगल बगल बढ़िया से देख लेंगे कि कहीं कुछ कागज पत्थर या कोई चीट पुर्जा गिरा तो नहीं है, और अगर गिरा है तो उसे हटा देंगे या सर को कह देंगे कि सर यहां एक कागज का टुकड़ा है, उसे आप हटा लीजिए। उसके बाद जब आप बैठते हैं और आपके हाथ में कॉपी पेपर सब आता है तो ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खूब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे क्वेश्चन को खूब बढ़िया से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप जो प्रश्न आपको अच्छे ढंग से आता है उस प्रश्न को आप वहां पर टिक लगा लेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान जरूर देंगे कि जब भी आपको कॉपी मिलती है तो सबसे पहला काम हम अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड सब अच्छे ढंग से लिखेंगे, क्योंकि आप कितना ही मेहनत करके अगर आप अच्छा कॉपी लिखते हैं, अगर आपका रोल नंबर, रोल कोड अगर ये गड़बड़ हो जाता है तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले फोकस हम ये करेंगे कि भले 5 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो जाए, लेकिन अपना रोल नंबर, रोल कोड खूब अच्छे ढंग से लिखेंगे। उसके बाद जैसे मान लिया जाए आपका ये बोर्ड का पेपर है, उसमें हम जितने भी प्रश्न हैं उसको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है कि एकदम सही हमको आता है उसमें टिक लगाते जाएंगे। जैसे मान लिया जाए, देखेंगे कि एक नंबर है हमको आ रहा है, लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन नहीं याद है, तीसरा याद है, इसको टिक लगा देंगे। और वो सारे प्रश्न को बढ़िया से देख करके और तब हम उसको टिक लगाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि जब आप वो MR सीट पर गोला लगाएंगे तो गोला लगाते समय इस बात को ध्यान देंगे कि गोला लगाते समय उसको ज़्यादा कस के और टाइट से नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो कॉपी फटने का डर होता है, जिससे आपकी कॉपी पेंडिंग में जा सकती है। दूसरी बात कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखते हैं, जब आप उसको गोला लगाते हैं, तो इस बात को भी ध्यान देंगे कि जेल पेन का यूज़ कभी नहीं करेंगे। जेल पेन का यूज़ करेंगे तो उससे कॉपी पेंडिंग में जा सकती है। और आप जैसे आप प्रश्न को पढ़ेंगे, जैसे मान लिया जाए कि आपका पहला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन पढ़ेंगे, द्रोमिका, एक्सॉन, सिनेप्स और आवेग। तो मान लिया जाए कि आपको ये ऑप्शन सही लगता है, सिनेप्स, तो आप इसको क्या करेंगे,
खूब बढ़िया से इसको गोल बना देंगे। ध्यान देंगे कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान देंगे कि अगर आपका इस तरह का गोला दिया हुआ है तो केवल हम इतना करके नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इससे आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि जब आप पूरे क्वेश्चंस को आप टिक लगाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आपको पूरे क्वेश्चंस को खूब बढ़िया से पढ़ करके और सारे गोला लगाएंगे ताकि आपका सारा क्वेश्चंस सही ढंग से हो सके। पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आप एक बार जरूर मिला लेंगे ताकि आपका कहीं छूटा तो नहीं, तो ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम सारे क्वेश्चंस लिख चुके हैं और एगो छूट गया है। और एक बात कि अगर आपका प्रश्न लिखते समय जो गोला लगाते हैं अगर गलती से एक आंसर सही है और अगर आपने बी आंसर लगा दिया तो आप उसको काटेंगे नहीं, कि क्योंकि अगर आपको अगर उसको मिटाएंगे या काटेंगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे और अगले प्रश्न पर आप चले जाएंगे। तो इस प्रकार आप OMR शीट को खूब अच्छे ढंग से जांच करके और बढ़िया से भर लेंगे, और भरने के बाद जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर पहुंचेंगे तो ध्यान रखेंगे जिस पन्ने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखे हैं और उसके बाद जहां पर आपका नाम रोल नंबर रोल कोड लिखा हुआ है उसके पीछे वाले पन्ने पर नहीं लिखेंगे। अब देखिए, मान लिया जाए कि ये आपका कॉपी है और यहां पर आपका रोल नंबर रोल कोड सब लिख दिए हैं आप, तो ठीक इसके पीछे वाले पन्ने पर यहां आप कभी लिखने का भूल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस पर लिखते हैं तो ये फट करके और बोर्ड ऑफिस में दे दिया जाता है, आपका आंसर चला जाएगा, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे तो यहां से शुरू करेंगे और यहां से लिखेंगे, और जब भी लिखेंगे तो कॉपी को लिखने में दो कलम का यूज आप जरूर करेंगे, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक का प्रयोग हमेशा टॉपिक लिखने के लिए ही करेंगे, क्योंकि टॉपिक जो हम लिखेंगे उसको ब्लैक और आंसर को ब्लू से, ताकि जब शिक्षक उसको चेक करेंगे तो चेक करते समय उनको लगे साफ कि प्रश्न कौन है और उत्तर कौन है, उनको स्पष्ट नजर आए। और ध्यान रखेंगे कि आप कॉपी को लिखते समय आप कितना ही पढ़ते हैं तो आपकी कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो आप जब भी कलम का यूज करेंगे तो दो कलर का, ब्लैक और ब्लू, और उसके बाद आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि आप कितना ही पढ़ते हो, अगर मान लिया जाए कि आपके पड़ोस का बच्चा है और पड़ोस का कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है और आप 4 घंटे पढ़ते हैं, तो ये कभी नहीं सोचेंगे कि अरे बाप रे बाप, वो तो 10 घंटा पढ़ता है उसी का ज़्यादा नंबर आएगा, हम तो 4 घंटा पढ़ते हैं हमारा अभी नहीं करेगा, ऐसी थॉट कभी माइंड में नहीं रखेंगे। क्योंकि लाख कोई पढ़ता हो, आप जब उस लिखावट को उस प्रश्न के उत्तर को सुंदर ढंग से और जब कॉपी पर सजा कर एक तरीके से लिखेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आप जब भी कॉपी लिखेंगे तो आप कॉपी लिखते समय आपकी लिखावट सुंदर हो और साफ सुथरी हो, ताकि शिक्षक उससे इम्प्रेसिव हो जाए, उससे एकदम खुश हो जाए, ताकि आपका मार्क्स बहुत अच्छे ढंग से दे। तो सबसे पहले अब हम ध्यान देंगे कि अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कैसे लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम प्रश्न को हम यहां लिखे हैं वहां अब हम देखेंगे आपको कि किस प्रकार कॉपी को हम लिखें। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं तो लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, तो कभी आप मान लीजिए कि साइंस का पेपर हम लिख रहे हैं तो या सोशल साइंस का, तो उसमें कहीं कहीं दिया रहता है खंड अ ब स सेक्शन ए बी ऐसे करके, तो
इतना आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन आपको जो आता है वही पहले लिखेंगे। मन में ऐसी धारणा नहीं बनाएंगे कि हमको सीरियली नंबर से लिखना है। बहुत सारे बच्चे के मन में ऐसी बात होती है या कोई बता देते हैं कि जब भी लिखना है तो सीरियली नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखना है। ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि आपको खंड अ लिखना है, खंड अ ब स कोई भी, तो देखिए सबसे पहले जब हम कॉपी लिखना शुरू करेंगे तो ब्लैक पेन से हमेशा हेडिंग देंगे। तो देखिए हम लिखें, मान लिया हमको खंड अ लिखना है, तो यहां ऊपर में लिखेंगे खंड अ जीव विज्ञान भौतिकी रसायन जो भी लिखना है। तो मान लिया जाए कि खंड अ में आपको लिखना है जीव विज्ञान, तो खंड अ जीव विज्ञान लिख करके इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके, ध्यान रखेंगे एक लाइन छोड़कर नीचे लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। इससे ये पता चल गया कि आप किस खंड का उत्तर दे रहे हैं और लघु उत्तरीय दे रहे हैं या दीर्घ उत्तरीय। अब यहां ध्यान देंगे कि लघु उत्तरीय में आपको मान लिया जाए 5 प्रश्न दिया है और आपको लिखना है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, तो आप 5ों प्रश्न पढ़ेंगे और जो आपको एकदम बढ़िया से आता है, अच्छे ढंग से आता है, उसको हम पहले लिखेंगे। मान लिया जब प्रश्न 1 का उत्तर आपको आ रहा है तो नीचे हम लिखेंगे उत्तर 1, और आपका सवाल कहता है कि प्रजनन क्या है या प्रजनन किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे लिखते समय हमारी लिखावट एकदम अच्छी होनी चाहिए। मान लिया जाए कि हमारा हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं है, हम थोड़ा हैंडराइटिंग खराब लिखते हैं, तो ठीक है हैंडराइटिंग बना नहीं सकते लेकिन साफ तो लिख सकते हैं। तो हम सुंदर अगर अक्षर न बने और अगर आप दूर दूर और साफ साफ लिखें तो आपका हैंडराइटिंग ऐसे ही सुंदर बन जाएगा। और उसमें ध्यान देंगे कि लिखे हैं कि प्रजनन वह क्रिया है जिसके जीव अपने जैसी संतान पैदा कर पृथ्वी पर अपने जाति के जीवों के भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। अब यहां ये ध्यान देंगे कि जब भी हम 1-2 शब्द लिखेंगे तो दोनों शब्दों के बीच दूरी समान हो, कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो। इससे क्या होगा कि आपका राइटिंग भी अच्छा लगेगा और शिक्षक को यह पता भी चलेगा कि आप साफ साफ और क्या लिखे हैं। अब इसके बाद अगर आपको कोई नीचे उदाहरण देना हो, अगर मान लिया जाए आपको कोई उदाहरण देना हो तो इस प्रश्न को लिखने के बाद नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ करके, और तब यहां लिखेंगे हम उदाहरण, और यहां पर उदाहरण हम लिख देंगे। अब आपका यहां प्रश्न समाप्त हो जाता है तो आप यहां नीचे क्या करेंगे, एक क्षैतिज लाइन खींच देंगे जिससे शिक्षक को यह पता चले कि आपका पहला प्रश्न का उत्तर यहां समाप्त हो गया है। अब यहां आप क्या करेंगे कि अब यहां हम लिखेंगे उत्तर 2, और यहां ध्यान देंगे कि जब दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो वहां एक लाइन या 2 लाइन जरूर छोड़ देंगे। तो आप यह सोच रहे होंगे कि सर बार बार कह रहे हैं कि 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ देंगे, कहीं कॉपिए और आ जाएगा तब हम लिखेंगे कहां, तो ऐसी बात कभी मत सोचिएगा। आप 1 लाइन या 2 लाइन जो छोड़ते हैं उससे आप कितना ही लिखेंगे आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड जो है इस हिसाब से कॉपी बनाता है कि बच्चे उसे भर नहीं सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप एक प्रश्न के बाद जब समाप्त हो जाता है तो यहां एक क्षैतिज दिशा में लाइन खींच देंगे ताकि पता चले कि यहां प्रश्न आपका खत्म हो गया। उसके बाद उत्तर लिखेंगे 2, और यहां पर आप अपना लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि जो यहां उत्तर 1 लिखेंगे उस यहां पर ये आप हमेशा ये ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, और उत्तर को ब्लू पेन से। अब यहां लिखने के बाद आप इसको इसी तरह लिखते चले जाएंगे, लेकिन यहां यह ध्यान देंगे
कि अगर आपको एक के बाद आपको दूसरा नहीं आता है, तीसरा नहीं आता है, पांचवा आता है, तो यहां पांच नंबर लिख करके करेंगे। लेकिन हां, अखंड लिख रहे हैं तो खंड ब का प्रश्न का उत्तर इसमें आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कटने के डर बने रहते हैं। क्योंकि सीरियली नंबर से लिखने में यहां ये ध्यान देंगे कि जिस खंड का है वहीं पर हम लिखेंगे। अब यहां क्या करेंगे कि जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेते हैं और उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है, तो आप नीचे यहां पर जरूर करेंगे, यहां पर लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहां से आप अंडरलाइन करेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार आप यहां लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे हैं उसी प्रकार यहां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख करके और तब आप लिखना शुरू करेंगे। अब देखेंगे इस प्रकार आप हर प्रश्न के उत्तर को लिखते चले जाएंगे और जहां पर भी आपका प्रश्न समाप्त होता है आप उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार आपका पसारे प्रश्न का उत्तर एक के बाद एक खत्म होता है। अगर कॉपी लिखने के बाद अंत में आपको दो या तीन लाइन बच जाता है तो आप वहां पर दूसरा प्रश्न लिखने का प्रयास न करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे और अगले पन्ने में ही लिखेंगे। अगर किसी प्रश्न का उत्तर में अगर चित्र का बात करता है, किसी प्रश्न में यह लिखता है कि उसमें चित्र बनाएं या चित्र बनाना आवश्यक हो, तो बच्चे क्या करते हैं कि सीधे प्रश्न का उत्तर लिख करके चित्र नहीं बनाते हैं। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आपका मार्क्स वहां पर कट जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर प्रश्न के उत्तर में चाहे मैथ हो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, आप वहां पर उसका चित्र जरूर बनाएंगे। और अगर आप चित्र बना करके उसका खूब बढ़िया से अगर नाम लिखते हैं और प्रश्न उत्तर दोनों लिखते हैं तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। आप खुद समझेंगे कि अगर इस प्रकार अगर आप लिखते हैं सुंदर अक्षर बना के साफ साफ, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, दो में दो और तीन में तीन मिलेंगे। अगर आप मान लिया जाए अंग्रेजी का एग्जाम देते हैं तो यहां पर जो हम खंड अ लिखे हैं आप यहां पर सेक्शन ए लिखेंगे, और सेक्शन ए लिख करके और यहां पर जो उत्तर लिखे हैं आप यहां पर आंसर लिखेंगे। मान लिया जाए हम लिखेंगे आंसर वन, और अब आप लिखना शुरू करेंगे। और अगर आप मैथ बनाते हैं, अगर मैथ का कॉपी लिखते हैं, तो जहां पर आपको शुरू ऊपर से स्टार्ट करना है तो सीधे वहां पर जब आप कॉपी को लिखना शुरू करेंगे तो वहां पर आप नीचे हल लिख देंगे। और हल लिख करके मान लिया जाए कि आपका ये कॉपी है, अब यहां पर आपको मैथ लिखना है, तो मैथ में ध्यान रखेंगे कि आप यहां पर लिख देंगे हल, अंडरलाइन करेंगे और यहां पर लिखेंगे पहला और ऐसे। तो मान लिया जाए कि एक नंबर का प्रश्न बनाते चले गए और यहां पर पूरा प्रश्न बनाने के बाद आपका यहां आंसर आता है, तो मान लिया जाए कि आपका आंसर यहां आ गया 540। तो ध्यान रखेंगे कि इसको आप एक बॉक्स में बंद कर देंगे और बंद कर करके और अब यहां लिखेंगे आंसर। तो शिक्षक जब कॉपी चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि प्रश्न का यहीं पर आंसर है। और आप ये कभी मत सोचेंगे कि अगर आप आधा प्रश्न बनाए हैं सही, उसके बाद आपका गलत हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप आधा भी उत्तर सही लिखे हैं तो आपको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार सारे प्रश्न के उत्तर साफ साफ और दूरी बना करके और फ्रेश लिखेंगे ताकि शिक्षक को ये पता चले कि आपका प्रश्न कहाँ है और उत्तर कहाँ है। और अगर आप इस प्रकार पूरे कॉपी को अगर लिखते हैं तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थी कि आपका टॉप मार्क्स बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर आप खूब याद करके और लिखते हैं और इस प्रकार आप अलग अलग पेन का प्रयोग न करके और एक ही में मिला करके लिख देते हैं और कहीं शिक्षक को चेक करने में दिक्कत होता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो
तो वो मार्क्स नहीं दे पाएगा। पास तो करेंगे लेकिन आप टॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी जानकारी कम भी हो और अगर इस तरीके से अगर आप पूरा बढ़िया से कॉपी लिखते हैं तो एकदम हमारी उम्मीद है कि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पूरी कॉपी को लिखेंगे। पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इसे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपका हमारा अगला वीडियो आपके पास बड़ी आसानी से पहुंच सके, ताकि हम अगले वीडियो में आपको और भी बहुत सारी जानकारी दे सके। तब तक के लिए जय हिंद।